हेलो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक सामोल और मेरे पास है सेलकर का C4i मॉडल है। ओके, ये 1.8 इंच का डिस्प्ले जो है इसमें दिया हुआ है आपको, 1000 mAh का बैटरी है। छोटा सा मॉडल है ये, जो MRP है ये है 1349, अप्रैल 2021 में हुआ है ये मैन्युफैक्चर। इसका प्राइस भी बहुत कम है। अगर और थोड़ा हम यहाँ पर देखते हैं क्या क्या फीचर दिया हुआ है। देखिए, इसमें आपको कैमरा मिलेगा, डुअल सिम है, वाइब्रेशन का ऑप्शन आपको दिया हुआ है, टॉर्च लाइट है, गेम मल्टी लैंग्वेज सपोर्टेड है, ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग है, MP वाइब्रेशन का ऑप्शन आपको इसमें मिलेगा, MP3 MP4 प्लेयर है, वायरलेस FM है और आप इसमें मेमोरी चिप भी एक्सपांड कर सकते हैं। जो बॉक्स है आपको दिखने के लिए, बॉक्स जो इस तरह रहेगा, ये आपका है देखिए ब्लैक कलर में, जो कलर है ये आपका है ब्लैक। C4i ये है आपका मॉडल। तो चलिए दोस्तों, फटाफट इसको हम यहाँ पर ओपन कर लेते हैं, देखते हैं सेट का लुक कैसा है और इसमें आपको क्या क्या फीचर दिया हुआ, क्या क्या एक्सेसरी दिया हुआ है वो भी हम थोड़ा यहाँ पर चेक कर लेते हैं। यह है आपका वारंटी कार्ड, सेलकर का वारंटी कार्ड, इसमें पीछे आपको नाम वगैरह सब डिटेल्स, IM नंबर वगैरह लिखना पड़ेगा सब, ठीक है। उसके बाद ये आपका आ गया बैटरी, जो कि नोकिया का BL5C जो बैटरी आता है उसे सेम बैटरी है। मार्केट में ये बैटरी आपको आसानी से अवेलेबल हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है इसमें। देखिए, नोकिया का BL5C जो बैटरी है वही सेम बैटरी है। MAh का बैटरी देखिए, हमें पीछे भी मेंशन हुआ है। ये दोस्तों है आपका चार्जर, जो कि देखिए सेलकर लोगो के साथ है ये चार्जर। नॉर्मल माइक्रो USB चार्जर आपको इसमें दिया हुआ है। इसमें आपको ईयरफोन नहीं मिलेगा। ये आपका आ गया मोबाइल, जो कि दिखने के लिए आपको रहेगा इस तरह। इसका कीपैड दोस्तों जो है ये सब रबर का दिया हुआ है, अच्छे से आप देख लीजिए, जो जितना भी इसका जो भी कीपैड है ये सब रबर का है। साइड में जो शॉर्टकट का की दिया हुआ है वो है आपका प्लास्टिक का, लेकिन बीच वाला भी है आपका रबर। सेट का मोटाई जो है आपका इतना रहेगा, ये है आपका मोटाई। आगे आपको मिलेगा टॉर्च लाइट, जो कि काफी पावरफुल है, मैं आपको दिखा दूंगा। साइड में कुछ नहीं है, नीचे की तरफ आपको मिलेगा यहाँ पर ईयरफोन का जैक, चार्जिंग करने के लिए चार्जिंग पोर्ट, यहाँ पर माइक का पॉइंट है ये। पीछे आपको सिंपली यहाँ पर मिलेगा कैमरा, इसका जो रिंगर है ये है आपका आगे की तरफ, पकड़ने में काफी अच्छा लग रहा है ये सेट। तो चलिए फटाफट इसमें बैटरी लगा लेते हैं और सेट को कर लेते हैं ऑन, देखते हैं सेट के अंदर आप और क्या क्या दिया हुआ है। आपका जो दोनों सिम लगेगा वो आपका लगेगा नॉर्मल सिम, और आप इसमें नॉर्मल मेमोरी चिप भी लगा सकते हैं। मॉडल है सेलकर का C4i, यहाँ पर मेंशन हुआ है। तो अभी हम यहाँ पर बैटरी इसमें लगा लेंगे। यहाँ पर इसको पन्नी को थोड़ा हटा लेते हैं। अभी हम सेट को यहाँ पर कर लेते हैं ऑन। सेट अभी हो चुका है ऑन। पहला बात ये, आज चलते हैं डायल पैड में। देखिए,
विजिबिलिटी आपका काफ़ी अच्छा रहेगा। ब्लैक में व्हाइट है, देखने में कोई परेशानी आपको नहीं होगा, विजिबिलिटी आपका काफ़ी अच्छा रहेगा इसमें। उसके बाद आ गया आपका मेनू, यहाँ पर थोड़ा डिस्प्ले में जाकर फूल है और बेलशीट बैकलाइट, कोई बात नहीं। यहाँ पर चलते हैं मेनू में, देखिए पहले आपका आ गया कॉन्टैक्ट, यहाँ पर चलेंगे ऑप्शन में, अदर्स में चलेंगे, यहाँ पर मेमोरी स्टेटस 500 कॉन्टैक्ट आप इसमें सेव करके रख सकते हैं। बैक मैसेज, कॉल लॉग, मल्टीमीडिया, सेलकर जोन, मोबाइल ट्रैकर इसमें आपको मिलेगा, ऑटो रिकॉर्ड वॉइस कॉल, आप इसमें कॉल रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, यह भी ऑफ है, आप इसको ऑन कर सकते हैं। ब्लैक लिस्ट का ऑप्शन जो है आपको इसमें मिल जाएगा। बैक कॉलिंग कलरफुल फ्लैश, शायद जब कॉल आएगा तो आगे का जो टॉर्च लाइट है ये आपका ब्लिंकिंग करेगा, ऐसे कुछ है इसमें ऑप्शन, आप उसको ज़रूर ट्राई करना। सेटिंग में चलते हैं, अदर्स में ऑटो रिप्ले, यहाँ पर कुछ जरूरत की चीज़ नहीं है। यहाँ पर बैक फोन सेटिंग में चलते हैं, यहाँ पर लैंग्वेज सेटिंग में देखिए जो लैंग्वेज है, डिस्प्ले लैंग्वेज यहाँ पर ऑटो है, ये सब लैंग्वेज आपको इसमें मिलेगा। बैक लिखने के लिए जो लैंग्वेज है ये सब आपको लैंग्वेज इसमें मिल जाएगा लिखने के लिए। बैक यहाँ पर शॉर्टकट सेटिंग, शॉर्टकट की आपको यहाँ पर इसमें आप लगा सकते हैं शॉर्टकट की को, ऑटो ऑन ऑफ, पावर सेविंग मोड भी आप सेव कर सकते हैं। डिस्प्ले में देखिए वॉलपेपर जो है आपको एक ही वॉलपेपर दिया हुआ है, ये वॉलपेपर, एक ही वॉलपेपर आपको इसमें मिलेगा। सिक्योरिटी में चेक देखिए, सिक्योरिटी में आप इसमें प्राइवेसी लॉक लगा सकते हैं, प्राइवेसी प्रोटेक्शन ऑन कर सकते हैं। प्रोफाइल कनेक्शन टूल में देखते हैं, गेम है जो गेम, एक ही गेम है स्नैक गेम। बैक ब्लूटूथ आपको इसमें मिलेगा, कैलकुलेटर, कैलेंडर, अलार्म, टॉर्च, वॉल क्लॉक, स्टॉपवॉच, माई फाइल्स में जब मेमोरी चिप लगाएंगे तो आप इसको यूज़ कर पाएंगे, इंटरनेट ऐप्स पे कर सकते हैं एग्जिट। अभी टॉर्च लाइट को ऑन करता हूँ मैं, देखिए जो टॉर्च है वो काफ़ी पावरफुल है, देखिए काफ़ी पावरफुल है टॉर्च, लेकिन दिन में पता नहीं चल रहा है, लेकिन काफ़ी पावरफुल है टॉर्च लाइट। इसको ऑफ कर लेते हैं, ऑफ हो गया टॉर्च। हाज को प्रेस करने पर, जब मैं हाज को प्रेस किया, फ़ोन आपका आ गया यहाँ पर ऊपर देखिए साइलेंट मोड में। फिर से प्रेस किया, आ गया वाइब्रेट मोड में। फिर से प्रेस किया, ये आपका आ गया नॉर्मल मोड में। जीरो को प्रेस करने पर पावर सेविंग मोड ऑन, फिर से प्रेस किया पावर सेविंग मोड ऑफ। और इसमें कुछ नहीं है आपको दिखाने के लिए, इतना ऐसे ही था सेट में आपको दिखाने के लिए। कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू।